उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में मंगलौर की जनता का राजनीतिक पार्टियों के प्रति क्या रुझान है, इसको लेकर हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अजीम ने जानी मंगलौर की जनता की राय। क्या कुछ कहा मंगलौर की जनता ने, आप भी सुनिए। हम अभी मंगलौर विधानसभा के खेड़ा जट गांव में पहुंचे हैं, जहां पर बसपा प्रत्याशी सरवत करीम अंसारी जो है डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे अपना, और यहाँ पर जो ग्राम प्रधान है और जिला पंचायत सदस्य है और किसान यूनियन के नेताओं ने उन्हें समर्थन दिया है। ग्राम प्रधान जी हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है आपका? राजू जी। गौरव कुमार करीम जी आए हैं, बसपा से प्रत्याशी है, किस तरह से समर्थन दे रहे हैं? रोबिन भाई बिल्कुल खुला दे रहे हैं जी, इन्होंने गांव के लिए एक तो हाई स्कूल दिया, चौड़ी सड़क दी जी टी रोड से इन्होंने, नहीं तो खेड़ा बहुत पिछड़ा गया था। और 80 लाख का काम ये जब मंत्री थे घेर मार के घोषणा कर गए थे, वो काम दिया है काम के ऊपर इनको समर्थन दिया गया है। ये जिला पंचायत जी हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? टोनी वर्मा जी। किस तरह से समर्थन दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं? देखो जी, काम बोलता है इंसान, और सरबत करीम अंसारी ऐसे शख्स जो सभी को साथ लेकर चलने वाले हिंदू मुस्लिम, इनकी राजनीति अलग है और जो मौजूदा विधायक रहे हैं उनकी राजनीति अलग। इन्होंने जट्टों के गांव में गौशाला का निर्माण करवाया, हिंदू जो है हमन करने में थोड़ा वो रखता है अपनी सत्ता, और आहुति भी देकर गए, और जो यहाँ पिछड़ा क्षेत्र का विकास सबसे ज़्यादा कराया तो सरबत करीम अंसारी ने अपनी योजना में कराया, पिछली जो पहली योजना थी सरकार जी का इन्होंने कराया। तो हमको सब जनता कह रही विकास पुरुष चाहिए और लोगों को बांटने वाला इंसान नहीं चाहिए, इनका कहना यह है। किसान नेता हमारे साथ मौजूद है, क्या नाम है आपका? अशोक जी। किसान यूनियन भी यहाँ कुछ आदमी किसान यूनियन के लिए समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? अब तक तो सब जो जाट समाज के लोग थे और मुगलों विधायक के साथ थे, ऐसा क्या दिखा दिया इसमें? इन्होंने सारी खूबियाँ देखी, इन्होंने हमारे गांव का तो बहुत तकड़ा विकास करा, इलाके का भी करा। इसमें काजी निजामुद्दीन ने तो 5 साल विधायक रह लिया, इस गांव में आकर देखा यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मुद्दे क्या है यहाँ के? मुद्दे यहाँ के जो पहले तो इन्होंने सड़क बनवाई है, चाहे जो जोड़ के लाओ धोरो के किनारे की दीवार टूटी पड़ी, उन्होंने कह रहे हैं करवाओगे ठीक। पहले इन्होंने सड़क बनवाई, गाँव के भीतर के रास्ते बनवाए, स्कूल बनवाया और जो छोटे मोटे काम थे सारे ने करवाए। विधायक जी भी मौजूद है, विधायक जी पूर्व विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी जो बसपा से प्रत्याशी है वो मौजूद है, कितना खुश है समर्थन को देखकर? देखिए धन्यवाद आपका, जब युवा मेरे साथ मेरे साथी मेरे साथ और मुझे समर्थन कर रहा है तो मैं मुझे तो खुशी इस बात की हो रही होगी। तो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं? ये तो जनता के ऊपर है, बड़ा गाँव है, करीब 4,000 से ज्यादा वोट है इस गाँव में, आपको पूर्ण समर्थन मिल रहा है, इसे क्या कहेंगे? मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने मेरे में विश्वास जताया है और मुझ में जो है यकीन कर रहे हैं आगे आने वाले उस वक्त का भी, तो हो सकता है मैं इनकी कहीं ना कहीं पर खरा उतरने का काम करूँ। पर खरा उतरने का काम करेंगे। एक किसान जी और मौजूद है, क्या नाम जी आपका? चौधरी साहब, क्या कहेंगे इस समर्थन को, क्यों समर्थन दिया? सवाल है, जो पूर्व विधायक है 5 साल तक उन्होंने तो क्षेत्र में कुछ कर दिया ही। दूसरी बात, जो हम अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण कराते हैं, 5 साल के कार्यकाल में मुझे ये बता दे कहीं उन्होंने कॉलेज बनवा, कोई मेडिकल कॉलेज बनवा हो, कोई हाई स्कूल बनवा हो, जूनियर हाई स्कूल बनवा हो, कोई डिग्री बनवा हो। इन्होंने 2-2 डिग्री कॉलेज देने का काम किया, CSC बनवाई इन्होंने। और दूसरी बात, उसका तो प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो छात्रवृत्ति घोटाला है उसमें उसका भाई 6 महीने जेल में रहा। ये तो यहाँ के युवाओं को चाहते ही नहीं है कि ये पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखेंगे तो ये छात्रवृत्ति घोटाला की बात की है, काजी निजामुद्दीन के छोटे भाई जो है उसमें जेल रहे हैं, इनका साफ तौर पर कहना है। ये किसान और मौजूद है, क्या नाम है कहो जी आपका? दुष्टन जी, क्या कहेंगे? भाई साहब का कहना है कि काजी निजामुद्दीन के छोटे भाई जो है वो भी जेल गए थे छात्रवृत्ति घोटाले, क्या कहेंगे? वो तो खुला बेईमान ना था सबको पता, और ये तो हमारे जो विधायक जी हैं ये सब किसी का दुख में सुख में टाइम जनता के लड़ रहे हैं, जो जनता जा इनके पास जाएगी उनका काम करें। हमें तो काम चाहिए, जनता को तो काम चाहिए, और जनता को काम चाहिए। कुछ युवा साथी खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, इनके पास ये पूर्व विधायक जो है वो आए हैं। रोबिन चौधरी, आप भी बहुत ज्यादा, क्या क्या कहेंगे?
भाई साहब जो वर्तमान के विधायक दो चार तो आ जाऊंगा ऐसी क्या बात है, तो हर गांव में दो जनता काम करवाने जाओ, उनको चले जाओ, उनसे पूछ लो। अगर जो आप ही जा रहे आप बताओ, आप आम आदमी तो आपको थोड़ा ही मान लिया काम, आपको मंगलोर जाना खेड़े में पूछ का हो जाएगा किस तरह होगा काम। तो क्या कभी आते हो इस बार कैसा विधायक चाहते हैं? इस बार हाजी सरबत करीम अंसारी जी को विधायक बनाया का हटा खुंटा का ऐड दिया पटने का नहीं किसी को भी हाजी साथी क्या नाम है आपका? सरबत करीम जी आपके बीच आ रहे हैं, दिल्ली वाला युवा सर हमारे गाँव का, तो आपका पूरा गाँव समर्थन युवा तो सर साथ देगा जी, धन्यवाद दीपू भाई बुजुर्गो का आशीर्वाद और युवाओं का साथ ला रहा है जी, तन मन धन तेरा जट गांव में जहां पर कुछ बुजुर्ग लोग भी मिले, युवा साथी भी मिले, जिनका साफ तौर से कहना है कि इस बार हाजी सरबत करीम अंसारी ही मंगलौर के विधायक होंगे। अपने सहयोगी विनोद चौधरी के साथ मैं मोहम्मद अजीम, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार, मंगलौर।